स्वागत है दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं कानपुर मेट्रो के डिपोर्ट में। जी हाँ, कानपुर मेट्रो के डिपोर्ट में, ना कि उसके कास्टिंग यार्ड में। कुछ लोगों ने अपनी वीडियो में कानपुर मेट्रो के कास्टिंग यार्ड को कानपुर मेट्रो का डिपोर्ट बता दिया था। फिलहाल अब हम लोग देख लेते हैं कि कानपुर डिपोर्ट कैसा है और कितना बड़ा है और उसमें क्या काम चल रहा है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि कानपुर मेट्रो ने कितना बड़ा एरिया लिया है कानपुर मेट्रो के डिपोर्ट के लिए। एंड ये ज़रूरी भी है कि कानपुर मेट्रो का डिपोर्ट है, ट्रेन्स खड़ी होनी है, सो इतना बड़ा एरिया तो चाहिए ही होगा। सो ये जो एरिया लिया गया है वो लिया गया है पॉलिटेक्निक कैंपस से, जो कि गुरुदेव चौराहा के बिल्कुल सामने पड़ती है। अब गुरुदेव मेट्रो स्टेशन के सामने पड़ा करेगी, तो वहीं पर हमारा कानपुर मेट्रो जो डिपोर्ट है वो सेटअप हो रहा है। इसके काम की अगर बात की कर ली जाए तो काम इतना कुछ खास हुआ नहीं है, बस रेत बिछा दी गई है। थोड़ा थोड़ा एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश की, एक शेप देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे डिपोर्ट कैसे होगा, कहाँ से ट्रैक्स आएंगे एंड क्या काम होना है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम ज़्यादा अंदर भी नहीं गए क्योंकि ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं था। रोड के साइड में जो आप वर्क देख रहे हो, वहीं से कानपुर डिपोर्ट को मेट्रो लाइन जाएगी। तो डिपोर्ट देख लिया तो वीडियो को छोड़कर मत चले जाना, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं मोती झील तक का काम एंड मोती झील के हल्का सा आगे तक का भी काम। सो लास्ट तक वीडियो को देखना। और अब हम लोग आ चुके हैं गीता नगर मेट्रो स्टेशन पर। आप यहाँ का काम देख सकते हो, जैसे पहले था वैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा काम होता है। जितना पहले पिलर लगे थे बीच में, उतने ही लगे हुए हैं। वैसे तो हम दोपहर में कभी आते नहीं हैं मेट्रो का व्लॉग बनाने, पर आज हम लोग आए हैं बिकॉज एक स्पेशल रीज़न था, और वो स्पेशल रीज़न एक सरप्राइज़ है। एक सरप्राइज़ व्लॉग आप लोगों के लिए आ रहा है, तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो। दोपहर में व्लॉग ना बनाने का एक और रीज़न भी है कि आप यहाँ की सड़कों की हालत देख सकते हो, कितना जाम होता है। सो अगर आप घूमने फिरने के इरादे से यहाँ पर आते हो, इन सड़कों पर आते हो, तो बिल्कुल मत आना, दिमाग आपका ख़राब हो सकता है। यहाँ पे किसी से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, कोई भी ठोक के निकल सकता है। सो कानपुर है मेरे भाई। और अगर हम लोग बात करें रावतपुर मेट्रो स्टेशन की, तो इसका काम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर काम गीता नगर मेट्रो स्टेशन के मुकाबले ज़्यादा ही होता है। सो बढ़ते हैं हम आगे मोती झील की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कानपुर में किसी भी और जगह का व्लॉग देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपकी डिमांड को ज़रूर पूरी करेंगे, जैसे इस वीडियो में विवेक सिंह के डिमांड को पूरी किया। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे हैलट हॉस्पिटल के सामने, यानी कि लाला लाजपत राय मेट्रो स्टेशन के सामने। आप देख सकते हैं कि साइड वर्क जो हमने पहले भी अपनी वीडियोस में देखा था हुआ था, अब बीच में भी पाइलिंग वर्क स्टार्ट हो चुका है। आप इतनी बैरिकेडिंग आपने पिछली वीडियो में नहीं देखी होगी, यहाँ पर अब ज़्यादातर होने लगी है। और ये है हमारा मोती झील का लास्ट मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे मेट्रो हमारी अंडरग्राउंड चली जाएगी। सो पहले तो स्टेशन है जो कि एलिवेटेड है, आप देख सकते हो पिलर्स लगाए जा रहे हैं। सो इसका मतलब स्टेशन के बाद ही मेट्रो अंडरग्राउंड जाएगी, और कहाँ से जाएगी आप यहाँ से देख सकते हो। ये मोती झील स्टेशन के आगे का इलाका है, आप देख सकते हो हम कितनी दूर से यू टर्न करके आए, यानी कि वहाँ तक काम हो चुका है जहाँ से मेट्रो अंडरग्राउंड जानी है। सिर्फ स्टेशन तक का ही काम नहीं, उसके आगे तक का भी काम हो चुका है। बाकी आप स्टेशन का काम तो देख ही सकते हो, जितना हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था उतना ही है, और बीच में थोड़ा सा और ज़्यादा काम हो रहा है। तो बाकी के मेट्रो स्टेशन का काम, जैसे कि IIT कल्याणपुर, इन सब का काम अब हम लोग आपने अगले पार्ट में देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।